अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब गाइस? तो गाइस पहले ये अली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जो है पूरी तफसील में बात करते हैं। बहुत अफसोस की बात है कि कराची की आवाम ने जो है ना आज सब्सिडाइज फ्रूट के ऊपर ये हाल किया है। मतलब ये आवाम ने साबित कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी नज़्म व ज़ब्त नहीं है, ठीक है, और ये इस लायक नहीं है कि यहाँ पे जो है ना कोई भी काम किया जाए। बहुत अफसोस के साथ ये देखें, बहुत अफसोस के साथ। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो फिर आपका ब्लड प्रेशर हाई तो होगा और थोड़ा सी दिल में उल्टी सीधी बात भी आई होंगी कि कौन सी वो आप समझदार हैं। तो ये कराची वाले नहीं हैं, पहली बात ये है। ये गैर मुकामी लोग हैं जो यहाँ पर आके बदमजगी फैला रहे हैं। पूरी बसें भर के आ गए रमज़ान में, पहले रमज़ान चांद नज़र आया और ये भर के आ गए बसें यहाँ पर कि यहाँ पर आके कराची को लूटेंगे। ये सही है, पूरी मुहिम होती है इनकी एक, तो ये पूरा कराची को लूट के चार अगले दिन निकल जाते हैं ईद मनाने के लिए अपने वहाँ पर। कुछ तो ईद मनाने के बाद जाते हैं सुकून से 15-20 लाख रुपए कमा के, अपना राशन पूरा करके पूरा साल का, और फिर जाते हैं सुकून से। और जो यहाँ पर मुस्तहिक हैं बेचारे, अपने इज्जत नफ्स को संभाल के रखे रहते हैं कि क्या कर सकते हैं इन खलीस लोगों के आगे। ये अपनी बदमजगी फैला के, अपने औकात दिखा के कराची लोगों को बदनाम करके चले आते हैं। और ये वीडियो कहाँ तक नहीं गई होगी, कितने लोगों ने शेयर करी होगी। सबके दिमाग इस बात पे क्यों हो गए, कराची वाले भाई कराची वाले नहीं हैं, कराची वाले बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। कराची वाले वो हैं जिन्होंने टेंट लगाए हुए इतनी महंगाई पे, और महंगाई करवाने वाले भी हम ही हैं। हम भी फल फ्रूट लेने पे नहीं लें तो भाई सुकून है। अगर 2-3 दिन ले लो फ्रूट सड़के फेंकेंगे, 600 रुपये से 100 रुपये भी आ जाएंगे। लेकिन नहीं, हम फल फ्रूट खाए बगैर रह ही नहीं सकते भाई, मर जाएंगे हम तो। जैसे फल फ्रूट नहीं खाएंगे 2 दिन, और 400 रुपये किलो ये सेब चल रहे हैं और दर्जन 400 रुपये किलो चल रहे हैं भाई, लेना भाई हमें भाई रमज़ान अगर चाट खाए बगैर रह नहीं सकते, मर जाएंगे भाई। ऐसी बात नहीं है, 2 दिन आप बायकॉट कर दो, देखो हर चीज़ 100 रुपये से नीचे आ जाएगी। इनकी जब कारोबार नहीं चलेगा ना लोगों का, तो ये खुद आ जाएंगे इज्जत से अपनी लाइन पर। तो भाई आप लोग जो है थोड़ा सा कोऑपरेट करें, और जो गैर मुकामी ना इनको तो भाई देखते के साथ ही दिल चाहता मारो पकड़ के, इनकी हरकतें देख के। इनकी हरकतों की वजह से जो मुस्तहिक है वो महरूम हो गए हैं। और इनको सदका खैरात फितर सब देना बंद कर दो, ख़ास तौर से इनको भीख देना बंद कर दो। इनके बंगले होते हैं सारे अपने गांवों के अंदर, इनके घरों पे आके छापा मारो तो पता चले आप लोगों को कि आप ज़्यादा अमीर हैं। और ये पूरा साल का 1 महीने में कमा के निकल जाते हैं, और जो मुस्तहिक होते हैं बेचारे वो अपने आपको सेव करके रखते हैं कि हम किस तरह करें ये करें, और उन तक नहीं पहुंच पाता जो उसके हकदार होते हैं। ये आके बेचते हैं साले, बेच के और खा जाते हैं पूरा पाकिस्तान को, बस चले पूरा पाकिस्तान खा जाएं। और क्या बोल सकते हैं लोगों को भाई, आप लोग इनसे बच के रहें। और ऐसे लोगों के लिए इज्जत इनके चक्कर में क्या हुआ, जो भी इनके मुस्तहिक हैं XYZ जो भी हैं, तो आप उन तक पहुँचाने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से पहले आप इन भिखारियों को नहीं दें, ये आपसे ज़्यादा अमीर होते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपसे ज़्यादा अमीर होते हैं ये। जिस साले इनके पेशा बन चुका है, जैसे हमारे कराची में जॉब नहीं है और इनका ये पेशा बन चुका है कि कराची वाले को लूटो, बस भीख मांग मांग के लूट के खा जाओ पूरा कराची को। इनको राशन दो साले दूसरी दुकान पर जाके बेच रहे होते हैं, इनकी यह हरकत होती है। और जो मुस्तहिक होते हैं बेचारे तक नहीं पहुँच पाता, तो भाई आप थोड़ी सी मेहनत करके जो मुस्तहिक हैं उन तक पहुँचाते हैं। और जो सदके खैरात के जो भी एक्सपेक्टेड पैसे होते हैं आप, या आप जमा करके जो आपकी गली में हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, या आपके दोस्त यार जो भी हैं मुस्तहिक इन चीज़ों के हैं, तो उन तक पहुँचाइए। इन भिखारी को देने से अच्छा है, ये भिखारी आपको बेच के खा जाएँ, ये ऐसे हैं। और इनको लाने वाले भी हम ही हैं, बड़े प्यार से भाई हैं, या हमारे भाई हैं सलाम जदगान है भाई, इनको लेके और कराची में लाके हमें लूट रहे हैं और लूट के हमें बदनाम कर रहे हैं। क्या नाम जा रहा है, कराची नाम जा रहा है, कराची में ये चल रहा है, कराची में वो चल रहा है। अबे भाई कराची वाले कर तो रहे, खिला रहे पिला रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला देने वाले उनको, पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला कराची है, जिसके वजह चलते बाहर से आके कराची वाले के लिए जॉब नहीं है, बाहर से आने वाले सबके लिए जॉब है। वैकेंसीज निकलती हैं कराची की सबसे कम होती है, बाहर सबसे ज़्यादा होती हैं। और दूसरे मुल्कों में जाओ, दूसरे सिटीज़ में जाओ, तो वहाँ पर भाई कहीं भी नहीं है, वहीं पर उनकी वैकेंसी होंगी, हमारी नहीं होंगी। और यहाँ पर सबकी वैकेंसी होंगी लेकिन कराची वाले की नहीं होंगी, बेचारे क्या करें। तो भाई फिर भी अल्लाह खिलाने वाला है उनको, बहुत अच्छे से खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब थोड़ी चीज़ों का बायकॉट करते हैं खाने पीने की चीज़ों पे, देखें ये अपनी औकात पे आ जाएंगे। 400 रुपये दर्जन के लिए फिर तो होश उड़ गए, 400 रुपये दर्जन के लिए। लेकिन क्या ठेले बंदे का साफ है, लेने वाले बैठे हुए ना, जब भी तो उसके ठेले साफ हुए, खुश खुश जा रहा है भाई वो, कि हाँ भाई 400 रुपये किलो, 400 रुपये दर्जन केले बेचे मैंने भाई। लेने वाले भाई 1-2 दिन इनकी सड़कें फेंकेंगे ना, ये साले 50-50 रुपये पे केले आ जाएंगे इनके। और ये जितने फल फ्रूट जो हम खा रहे हैं, 1-2 दिन खाओगे मर नहीं जाओगे, मर नहीं जाओगे,
तो भाई थोड़ी सी एहतियात कर लें, बैकआउट कर दें थोड़े दिन चीज़ों का, फिर देखें कैसे कैसे आप सब लाइन पे आएंगे, हर चीज़ लाइन पे आएगी। लेकिन नहीं, हम तो बहुत अमीर हैं, हम तो भाई खर्च करेंगे, रमज़ान आए भाई, रमज़ान है, रमज़ान में दिल खोल के खाओ भाई, अल्लाह ताला ने खाओ क्यों नहीं खाओ। लेकिन आप देखो तो यार 400 रुपये दर्जन केले चल रहे हैं, उस पर तो रहम करो, जो नहीं खा रहे भाई वो बच्चे नहीं खाएंगे हमारे, भाई रमज़ान लगा हमारे बच्चे 400 रुपये दर्जन केले खाएंगे, मर जाएंगे, अगर केले नहीं खाएंगे, अंगूर नहीं खाएंगे, किन्नू नहीं खाएंगे भाई मर जाएंगे, वो उनको खिलाने लाते हैं भाई, 2 दिन रोक दो उसके बाद पूरा साल खिला दो बस। इस वक्त महंगाई और सब सस्ताई भी आते हैं कि रमज़ान आ गए हैं तो सब सस्ताई होती है बाहर मुल्कों में, यहाँ तो उल्टी महंगाई हो जाती है, यहाँ तो अपर लेवल पे चले जाते हैं। दिखाना है ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, दिखाना है ना कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, महंगाई कैसी नहीं होगी, रमज़ान आ गए तो महंगाई तो करो सस्ताई की बजाय, और बाहर सस्ताई हो जाती है और यहाँ महंगाई हो जाती है, 200 रुपये की चीज़ 400 रुपये में मिल रही है। तो भाई अभी भी ये बात कर रहा हूँ जो मुस्तहिक है उन तक जाना चाहिए, तो कोशिश करें कि आप, और हाँ कोशिश करें कि आप लोग जो है मुस्तहिक तक पहुँचा दें, और इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें ताकि जो देख सकें वो थोड़ी सी एहतियात करें, और बस थोड़ा सा बाइकआउट करते हैं चीज़ों पर, सब मिल के एक साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये 400 रुपये वाले केले भी 50-50, 40-40 रुपये पर आ जाएंगे। लेकिन बाय द वे बात तो बहुत कड़वी लगी होगी कुछ लोगों को, लेकिन जो सच है वो सच है यार, कराची वाले कितना करें लोगों के लिए, लेकिन ये नाशुक्र हैं, आके अपनी औकात ज़रूर दिखाते हैं कि किस जगह से आए, ये कीड़े हैं, कीड़े कीड़े को थोड़ा सा ज़्यादा दे दो फैल जाते हैं, तो वाले हिसाब है इनका, इज्जत से खिला रहे हैं पिला रहे हैं, लेकिन नहीं अपनी औकात तो दिखानी है, रांगड़पना तो दिखाना है अपना, मेले हैं तो मेले पर तो दिखाएंगे कहाँ से आए ये, फालतू में आके कराची को बदनाम करते हैं फालतू में आके। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन लगने तो कोई मसला नहीं है, चलता सच बात तो लगती थोड़ी बुरी लोगों को लगती बुरी, लगने तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।